हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैसा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एपटेक हिंदी चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैंने जो फ्लिपकार्ट से रेडमी नोट 6 प्रो जो है परचेस किया हूँ, मोबाइल बोनांजा जो सेल चल रहा है 27 से 29 दिसंबर, उसके अंदर ये परचेस किया हूँ। अब ये जो बॉक्स है मेरा जो घर पर आ गया है, तो मैंने सोचा चलो इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो एक बना के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो इस बॉक्स में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा आगे वीडियो अंत तक देखते रहेंगे तो पूरा मैं बताऊंगा बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मेरे चैनल पर आप लोग आए हैं भाई नए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस हो जाना, आपके लिए ऐसे नई वीडियो हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स समाज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मैंने रेडमी नोट 6 प्रो का जो मोबाइल था ये परचेस किया हुआ। अब ये बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने से पहले यहाँ पे आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ कि शाओमी का जो मोबाइल है वो 77% लोग ने गूगल पे सर्च कर लिया है। और आपको तो पता है कि शाओमी का जितने भी मोबाइल आते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा है टॉप पर चले जाते हैं। अब जो मैंने रेडमी नोट 6 प्रो मोबाइल परचेस किया हूँ, अब इसके जो वेरियंट है 156,190 वेरियंट बिक चुके हैं, जिसमें कि मेरा भी एक ये शामिल है। तो इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइस के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। देख लीजिए 15,999 रुपये का मैंने परचेस किया हूँ। तो ये जो प्राइस है ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी से करा हूँ, इसलिए मुझे जो है उससे ऊपर के डिस्काउंट मिल नहीं पाए। अगर स्टेट बैंक के थ्रू मैं परचेस करता था ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू तो जो भी मुझे 10% कैशबैक वहाँ पे देखने को मिल जाता था। और ये जो मोबाइल परचेस किया हूँ, मोबाइल बोनांजा सेल अभी चालू है 27 से 29 दिसंबर, उसके अंदर इस मोबाइल को मैंने परचेस किया हूँ। तो देख लेते हैं अब आपको ये बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। भाई ये जो बॉक्स है यार बहुत ही, इसकी जो पैकिंग है यार फ्लिपकार्ट वाले की पैकिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पैकिंग जो है फ्लिपकार्ट की बहुत ही ज़बरदस्त आपको पैकिंग देखने को मिल जाती है। तो ये देख लीजिए भाई, ये बॉक्स तो ओपन हो गया है, पूरी तरीके से खुल गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो एक बिल मुझे दिख जाता है जो कि ये मोबाइल परचेस किया हो, तो ये बिल देख लीजिए आप, ये बिल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो एक कवर है जिसके सेफ्टी के लिए इसके अंदर यहाँ पे अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जो मोबाइल आया है आप देख लीजिए, ये मोबाइल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं। भाई ये जो मोबाइल है देख लीजिए, पहले तो सबसे पहले आगे का लुक देख लीजिए आप लोग। और ओपन करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो भाई ये जो मोबाइल है मैंने ब्लैक कलर का यहाँ से परचेस किया हूँ, और इसके अंदर जो रैम है वो 6 GB की है। और बात कर लेते हैं फ़ोन मेमोरी की, तो 64 GB की जो फ़ोन मेमोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात आती है कैमरे की, तो कैमरा जो है ये यहाँ पे आपको 20+2 MP जो है सेल्फी कैमरा ये पोर्ट्रेट मोड के साथ यहाँ पे अवेलेबल है AI फीचर्स के साथ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बैक कैमरे की, तो बैक कैमरा जो है 12+5 MP डियर कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि अब बात कर लेते हैं स्क्रीन की, डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको 15.9 cm का जो डिस्प्ले है यानी 6:26 का फुल HD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलता है। और प्रोसेसर जो है 636 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए बाकी कुछ इसके अंदर तो अभी है ही नहीं। अब ये बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है आपको देख लीजिए, ये बॉक्स मेरा हो खुल गया है भाई, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का लुक है इसका। अब यहाँ पर मैं इसे हल्का सा इस तरीके से निकाल लेता हूँ। ये मोबाइल है रेडमी नोट 6 प्रो, और ये पीछे कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, ये साइड में, तो साइड में ये एक प्लस की है ये, मैं इसके बारे में आपको बाद में बता देता हूँ। पहले सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। अब बॉक्स को ओपन करने का देख लीजिए इसके अंदर कुछ है शायद, तो देख लीजिए बॉक्स के ऊपर सबसे पहले तो आपको एक ये क्लिप दिखेंगी जो कि सिम ट्रे के लिए आपको ये चाहिए। अब ये सिम ट्रे मेमोरी कार्ड आपको लगाना है तो इसकी मदद से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे भाई एक कवर भी मिला है जो कि शाओमी की तरफ से, देख लीजिए ये जो कवर है, कवर को ओपन यहाँ से कर लेता हूँ। ये देख लीजिए ये जो कवर है, कवर भी मुझे मिला है यहाँ पर। अब ये बात कर लेते ये क्या है यार, जैसे कि हर बॉक्स में हर चीज़ में आपको देखने को मिलता है मैनुअल गाइड यूजर, ये देख लीजिए यूजर मैनुअल गाइड है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी वही है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, ये साइड में रख दिया हूँ। ये बॉक्स के अंदर देख लीजिए क्या क्या है, एक चार्जर और ऊपर के चार्जर का सॉकेट है, तो ये देख लीजिए सॉकेट ये है। और यहाँ पर ये एक चार्जर मिल जाता है, तो भाई चार्जर तो उसी लुक में मिलता है जो कि हर मोबाइल में आपको शाओमी का जो मोबाइल है उसमें देखने को मिलता है। अब इसकी जो देख लीजिए ये केबल है, और बॉक्स के अंदर भाई हेडफोन तो इसमें नहीं है, हेडफोन आपको तो पता ही है कि हेडफोन नहीं आता है शाओमी के मोबाइल में। अब ये चीज़ को सबको ओपन कर लिया, अब बात करते हैं मोबाइल के बारे में।
थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये देख लीजिए, पीछे साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है और ये हमारा जो डुअल कैमरा है, बीच में जो फोकस है, फोकस भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो देख लीजिए, ये जो यहाँ पे हम सिम लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ये जो है ये पावर की है और ये प्लस माइनस वैल्यूम की है। इसे फटाक से मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके का लुक देखने को मिलेगा। तो भाई ये जो है ये ओपन हो गया है, ऊपर देख लीजिए, ऊपर जो है कैमरा, आपको कैमरा दो कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये अब ओपन हो रहा है। तो ये ओपन होने के बाद ये जो भी प्रोसेस है इसको कर लेता हूँ फॉलो, उसके बाद बताता हूँ कि इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है, इसकी कैप्चर की क्वालिटी है, फ़ोटो की क्वालिटी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई ये हो गया है मेरा ओपन मोबाइल, देख लीजिए यहाँ पे गो इट पे क्लिक कर लेता हूँ और चलिए इसको भी यहाँ से मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ये चीज़ को देख लीजिए, ये पन्नी को भी यहाँ से निकाल देता हूँ, निकाल दिया हूँ। अब थोड़ा मोबाइल का जो लुक है आप देख लीजिए किस तरीके से देखने को मिलता है, ये देख लीजिए मोबाइल का लुक। अब यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम कैमरे की यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, देख लीजिए ये कैमरा है, अलाउ कर लेता हूँ। यहाँ से अलाउ करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए AI वाला जो ये फ्यूचर्स है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ये कैमरे की बात कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कैमरा जो है ये खींच लिया हूँ ये बैक कैमरे से, अब मैंने ये कैप्चर कर लिया हूँ। अब यहाँ पे बात आती है सेल्फी की, भाई मैंने सेल्फी भी ले लिया हूँ, बैक कैमरे भी ले लिया हूँ। अब देख लीजिए जो ये बैक कैमरे की फ़ोटो है किस तरीके से आपको देखने को मिलती है, देख लीजिए ये बैक कैमरा है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये देख लीजिए सेल्फी वाला कैमरा है, और सेल्फी कैमरा भी देख लीजिए जो क्लियरिटी है, जो कि क्लियरिटी यहाँ पर आपको बहुत ही गजब की देखने को मिल जाएगी। बैक कैमरे में बात कर लेते हैं क्लियरिटी की, तो और भी यहाँ पर क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी और फ्रंट में भी क्लियरिटी जो है वो भी देखने को मिलेगी, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए हो, पसंद आए वीडियो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं राहुल जैसा आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।